आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग रेत में ऐसे क्या कर रहे हैं और ये मिट्टी में क्यों लोटपोट हो रहे हैं। इसे जानने के लिए आपको हमारे साथ व्लॉग में बने रहना पड़ेगा। तो नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका नए व्लॉग में। अगर आपने प्रीवियस व्लॉग देखे हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग गए हुए हैं वृंदावन, और वृंदावन में हमने बरसाना में राधा रानी मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर ली है। अब हम लोग जा रहे हैं गोकुल की तरफ। वृंदावन से गोकुल लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। गोकुल का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। जब माँ देवकी ने कंस की जेल में श्री कृष्ण जी को जन्म दिया था, उसके बाद जो वसुदेव जी हैं वो श्री कृष्ण को लेकर गोकुल आए थे और माँ यशोदा के पास श्री कृष्ण जी को छोड़ गए थे और उनकी हुई पुत्री को वो अपने साथ ले गए थे, जो योग माया कहलाई थी। और आपको एक और बात बता दूं कि गोकुल में श्री कृष्ण जी को बाल रूप में पूजा जाता है, बाकी जगह पे श्री कृष्ण जी को भगवान रूप में पूजा जाता है। गोकुल में ही श्री कृष्ण जी का बचपन बीता था और यहीं पे उन्होंने कई सारी लीलाएं की थी। गोकुल के ही रास्ते में एक प्रसिद्ध मंदिर है और जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। वहाँ के लोकल लोग इस मंदिर को बहुत ज़्यादा मानते हैं। उस मंदिर का नाम है बलदेव जी का मंदिर। श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी को यह मंदिर समर्पित है। मथुरा जिले के बलदेव क्षेत्र में ही यह मंदिर स्थापित है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके बीच में इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है, और जिन लोगों को इसकी जानकारी है वो लोग दूर दूर से इस मंदिर में दर्शन करने ज़रूर आते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं बलदेव जी के मंदिर में। बलराम जी का दूसरा नाम दाऊ जी भी था, उनको लोग दाऊ जी कह के भी पुकारते थे, तो इस मंदिर को दाऊ जी का मंदिर भी बोला जाता है। ये है मंदिर का परिसर। ये बाहर का परिसर है जहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप लोग मंदिर के लिए फूल और प्रसाद ले सकते हैं। मंदिर में अंदर माखन मिश्री का भोग लगता है। और ये है मंदिर के अंदर का मेन परिसर। मंदिर काफ़ी बड़ी जगह में बनाया गया है और इस मंदिर में बलराम जी की जो मूर्ति है वो काले रंग की है, और इस मूर्ति को ब्रज में सबसे बड़ी मूर्ति माना जाता है। मेन मंदिर की फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं आपको मंदिर के चारों तरफ का व्यू दिखा रही हूँ। हम लोगों ने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए हैं, और अब हम लोग निकल रहे हैं अगले मंदिर की तरफ। यहाँ आज भी आपको पुराने तरीके के घर दिखाई देंगे। और अब हम लोग जा रहे हैं एक और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर, रमन रेती मंदिर में। हो सकता है आप में से कई लोगों ने रमन रेती मंदिर का नाम सुना भी होगा। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं रमन रेती मंदिर। यही है रमन रेती मंदिर और ये है मेन गेट मंदिर का। मंदिर में जूते ले जाना अलाउड नहीं है, तो मंदिर के बाहर ही जूता घर बनाया गया है जहाँ पर आप अपने जूते रख सकते हैं। मंदिर के अंदर घुसते ही आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखेगा। मंदिर की जो ज़मीन है वो आपको कुछ इस तरीके से कवर दिखाई देगी। इसका रीज़न मंदिर के नाम में ही है। मंदिर का नाम है रमन रेती। रेती मतलब रेत। इस मंदिर में आपको चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देगी। ढके होने की वजह से वो अभी नज़र नहीं आ रही। और यही है रमन रेती मंदिर। यहाँ पे श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित है। अभी दर्शन का टाइम नहीं हुआ है। अभी जहाँ पे मूर्ति स्थापित है वहाँ पे पर्दा लगा हुआ है। सभी लोग पर्दा उठने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर मंदिरों में टाइमिंग्स हैं। जय हो कन्हैया लाल की। फाइनली पर्दा उठ चुका है और आप लोग देख सकते हैं सामने श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित है, और आप लोगों में भी खुशी और जोश देख सकते हैं श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में कितनी ज़्यादा श्रद्धा है। मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। Come on, come on.
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मंदिर के चारों तरफ रेत ही रेत है। आप देख सकते हैं कि मेन मंदिर से ज़्यादा भीड़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसका कारण ये है कि इस स्थान को माना जाता है कि श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर कई सारी लीलाएं की थी और यह वह स्थान है जहाँ पर वो खेला करते थे। श्री कृष्ण जी के बचपन को और उनकी शरारतों को अनुभव करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और इस रेत में लोटपोट होते हैं। अभी आप देखेंगे कि लोग छोटे बच्चों की तरह यहाँ पर खेल रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर आके इस रेत में अगर आप खेलते हैं तो आपके शरीर की कई सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। लोग एक दूसरे पर रेत डाल के बच्चों की तरह यहाँ पे खेलते हैं और यहाँ की रेत को अपने माथे से लगाते हैं। मंदिर के परिसर में ही बाबा और संतों के लिए ये आश्रम यानी ये कुटिया बनाई गई है और इन कुटिया का नाम पुराने ऋषि मुनि और पुराने संतों के नाम पर रखा गया है। जिस प्रकार से ये कुटिया बनाई गई है उनको देखकर पुराने टाइम की याद आती है। मतलब ऐसा लगेगा कि पुराने टाइम में किस तरीके से लोग कुटिया में रहा करते थे। मुख्य मंदिर की दीवारों पर श्री कृष्ण जी द्वारा की गई लीलाओं की चित्र अंकित हैं। और ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये चित्र थोड़े से उभरे हुए हैं, तो जब आप वहाँ पे इनको देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे असल में ही ये चित्र बाहर निकल के आ रहे हैं। सामने वाले चित्र में श्री कृष्ण जी को रासलीला करते हुए दिखाया गया है और इस चित्र में आप देख सकते हैं श्री कृष्ण जी को गोवर्धन पर्वत उठाते हुए दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं। आप में से कई लोग रस खान जी के बारे में जानते होंगे। रस खान जी एक कवि थे और साथ ही साथ वो श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि अपने अंत के दिनों में उन्होंने यहाँ पर आकर यानी रमन रेती मंदिर में आकर भक्ति की थी और यहीं पर अपने प्राण त्याग दिए थे। रमन रेती के पास ही उनकी समाधि भी है। लोग बड़े बड़े समूह में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और अगर आपके पास कभी भी टाइम हो और आप वृंदावन आते हैं तो आप लोग भी ज़रूर रमन रेती मंदिर के दर्शन करके जाइएगा। राधे राधे। मुख्य मंदिर के सामने ही दो छोटे छोटे मंदिर हैं जहाँ पर आप लोग दर्शन कर सकते हैं। ये सामने ही है मुख्य मंदिर जहाँ पे श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित है। उनमें से एक मंदिर शिव जी का है और दूसरा मंदिर शनि देव जी का है। मंदिर में दर्शन करने के बाद और रेत में लोटपोट होने के बाद अब हम लोग भी निकल रहे हैं बाहर की ओर। रमन रेती श्री कृष्ण जी की लीलाओं के साथ साथ एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है और वो है हिरण। मंदिर के परिसर से बाहर निकलते ही आपको सामने एक हिरण अभयारण्य दिखाई देगा। अभयारण्य जैसा ही है ये, इधर बहुत सारी तादाद में हिरण है और हिरणों के साथ साथ यहाँ पर शुतुरमुर्ग भी हैं यानी ऑस्ट्रिच। इन हिरणों को खिलाने के लिए बाहर खाना भी मिलता है। आप लोग वो खाना खरीद सकते हैं जो सेफ है और वो इन हिरणों को खिला सकते हैं। तो व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा।
ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।